बातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की बहुचर्चित जौहर यूनिवर्सिटी है। इसके बिल पास कराए जाने से लेकर आज तक राजनीतिक अखाड़े के रूप में मानी जाती रही है, लेकिन वर्तमान समय में यह चोरी की मशीन और दुर्लभ किताबों को छुपाने के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। अब एक बार फिर आजम खान और उनके बेटे का नाम सुर्खियों में है। कारण साफ है कि उन पर सरकारी मशीनरी से लेकर किताबें चोरी तक का नया मुकदमा दर्ज होने की तैयारी में है। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, जिसकी संगे बुनियाद लगभग 16 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा रखी गई थी। यूनिवर्सिटी की मान्यता सरकारी भूमि को कब्जाने और किसानों की जमीन हथियाने तक को लेकर हमेशा चर्चा में रही है, लेकिन इन सब के बीच आप एक बार फिर किताबें चोरी और नगर पालिका की सफाई मशीन चुराकर दबाने का पुख्ता सबूत मिल चुके हैं, जिसकी जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।